हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास वेट वर्मा टुडे से मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले चैप्टर 6 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में क्लास 8 का नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी तक इंग्लिश कंप्लीट कर चुके हैं, SST कंप्लीट कर चुके हैं, साइंस कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये लास्ट हम लोग का मैथ्स है। हिंदी शायद नहीं बताएंगे। ठीक है, उसके बाद 9 क्लास का वीडियो हो जाएगा, आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेगा। ठीक है, मेरे पास और भी कुछ कलेक्शंस हैं, वहाँ से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। तो आपका जो क्लास 8 है, जब मैथ हम लोग का खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग सिर्फ क्लास 8 का एक वीडियो आएगा, और एक वीडियो 9 क्लास का और एक वीडियो 10 क्लास का आएगा। ठीक है, दिन में 3 वीडियो मिलेगा, बट आप लोग के लिए सिर्फ एक ही वीडियो रहेगा। ठीक है, बट जो भी है, हम लोग अब मैथ चालू कर चुके हैं, तो मैथ को भी तुरंत खत्म नहीं करना है, धीरे धीरे खत्म करेंगे। डेली एक आपको वीडियो मिलेगा। बाकी जो क्लास है, 9 क्लास 10 क्लास, 9 क्लास से भी कमेंट आया हुआ है, तो 9 क्लास का भी बनाएंगे। जो बच्चे 9 क्लास में हैं और बहुत दिन से हमको फॉलो कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं। 9 क्लास का जो टुडे बुक आप बोले हैं, वर्मा टुडे से बनाइए सर, तो उससे भी हम बनाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में बात करते हैं फिलहाल गुणनखंड। आखिर गुणनखंड चैप्टर से किस तरह क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यानी ऐसा देखा जाए सब पढ़ना ही होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में कि 2x 3x² और 4x³ का सारो गुणनखंड आपको बताना है। ठीक है, ये सबका बताना है, आपका सारो गुणनखंड क्या होगा। तो सार गुणनखंड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले इसको तोड़ना होता है। जैसे 2x है, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुना x, प्लस 3x² है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना x लिख देंगे। ठीक है, प्लस 4x³ है, तो 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 × x³ है, तो 3 बार x³ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्स एक्स, तो अगर देखा जाए यहाँ एक्स, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स, यानी कि एक्स कॉमन है सब में, सब में एक्स है, इसीलिए हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अगर एक्स कॉमन ले लेंगे सिर्फ बचेगा 2, अगर यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचता है सिर्फ 3x, और अगर हम लोग यहाँ से एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4x². ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई के रूप में आ गया, यही हम लोग का सार गुणनखंड गुणन होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, एक्स कौन है जो कि हम लोग सार गुणन है, जो बाहर आया, यानी कि एक्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही बनाना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए एक्स स्क्वायर वाई है, बी एक्स वाई स्क्वायर है, सी एक्स जेड है। आपको यहाँ देखना क्या मैच कर रहा है, जैसे एक एक्स यहाँ 2 बार है, एक बार तो यहाँ है, यहाँ एक बार है, और यहाँ एक बार है एक्स। वाई भी देख रहे हैं, एक बार यहाँ है, 2 बार है, तो एक बार है ही, और यहाँ भी एक बार है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक्स और वाई हम लोग का कॉमन आएगा। ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ से बाहर कर लेंगे तो सिर्फ बचेगा ए एक्स, प्लस अगर यहाँ से एक्स वाई बाहर कर लेंगे तो बचेगा बी वाई, प्लस अगर यहाँ से एक्स वाई का हम लोग बाहर कर लेते हैं बच जाएगा सी जेड। ठीक है, तो ये पूरा आंसर होगा, बट हम लोग को सारा गुणनखंड बताना है। एक्स वाई हम लोग का बाहर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पास में है, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी, सेम क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस सबको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुना बी स्क्वायर मतलब 2 बार b, प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 बार a गुना बी, प्लस ए गुना बी। अब हम लोग देखेंगे ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ए बी ए बी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये सार गुणज हो जाएगा। यहाँ से बचेगा बी, यहाँ से बचेगा ए, और यहाँ से बचेगा 1, तो ये हम लोग का सार गुणज कितना हो जाएगा, ए बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ए प्लस ए सी प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ 2 बार है, बट सब जगह एक एक बार है, एक बार तो सब जगह से कॉमन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21x² y³, तो आपको देखना कि 21 नंबर है, नंबर में से भी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ा जाएगा, 21 को अगर हम लोग तोड़ेंगे 3 के टेबल में 7 बार में टूटेगा, यानी 3 × 7 लिख सकते हैं, × x² है मतलब x × x 2 बार लिख सकते हैं, प्लस सॉरी प्लस नहीं y³ है तो y × y × y 3 बार लिख सकते हैं, प्लस 27 है, 27 को भी हम लोग तोड़ेंगे ऐसे, तो 3 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × x³ है तो 3 बार x हम लोग लिख सकते हैं गुना में, और y² है तो 2 बार हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ढूंढना है क्या क्या मिल रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ यहाँ 2 बार x है, यहाँ 2 बार x है, यहाँ भी 2 बार से ज़्यादा x है, यहाँ 2 बार y है, और यहाँ भी 2 बार y है। ठीक है, यानी कि 3 है 2 बार x है और 2 बार y कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या क्या, 7 बच गया, और बचेगा क्या, y, प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो 3 × 3 = 9 बच जाएगा, और क्या बचेगा, x बच जाएगा। ठीक है, हम लोग पास में x बचेगा, तो हम लोग पास में अगर देखा जाए सारा गुणनखंड क्या आया, 3x² y² आया, जो कि हम लोग का आंसर होना चाहिए 3x² y², ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का आंसर है, जो कि एकदम सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से बनाना है, आई होप कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन में, और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि 8 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 है ना, इसको अगर तोड़ा जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और x² है तो हम लोग लिख सकते हैं x × x, और y है तो y माइनस 32 है ना, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, साथ में नहीं है तो हम लोग अलग अलग करेंगे, 32 को हम लोग कितना बार, 1 2 3 4 5 बार, ठीक है, 4 बार में 16 और 5 में 32 आ जाएगा, x² है तो 2 बार y, और माइनस भी है ना, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 2 2 2, 3 बार 2 तो मैच कर जा रहा है, यानी कि 3 बार 2 मतलब 8 होता है। ठीक है, यहाँ 1 बार x है और 1 बार y मैच कर रहा है, 1 बार x और 1 बार y, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8xy।
इसमें से अगर देखा जाए यहाँ 3 है, 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक है, यानी कि 3 हो जाएगा कॉमन, तो गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 9, तो गुणनखंड क्या हुआ 3, अगर देखा जाए अच्छे से देखेंगे इसको लिखेंगे तो 3 कॉमन, तो एक्स बचेगा 9 में से 3 बाहर हो गया, 3 बचेगा 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये जो आंसर है यही हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, 3x माइनस 36 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस 3 के टेबल 12 24 बार 36 12 बार में आता है, 3 इंटू एक्स माइनस 12, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन है, गुणनखंड दिखाना है तो 3 और 12 है, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 बार में 12 आता है, 3 इंटू एक्स माइनस 4 होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे, देखिए 9 है और एक्स भी है, तो 9x तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तो 1 रहेगा माइनस, और ये देखिए 9 का टेबल 9 18 होती है 27, 3 बार में एक्स बाहर हो गया तो वाई बचेगा, यानी 9x इंटू 1 माइनस 3x बचना चाहिए, ठीक है, 9x 9x इंटू 1 माइनस 3x, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस 5a² प्लस 25ab, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 5 हम लोग को कॉमन दिख रहा है और a एक बार कॉमन दिख रहा है, यानी अगर 5a को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से माइनस में एक बार a बच जाएगा और 5 का टेबल में 5 बार में 25 और ये बाहर हो चुका है b, यानी कि 5a माइनस ए 5b, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पलट के कि 5a इंटू 5b माइनस ए लिख सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन कहाँ है हम लोग पास में आंसर, ऐसा अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा हम लोग को, ठीक है, तो फिर इसका आंसर सही आंसर होगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ये देखिए है ना, फिर से हम बता रहे हैं इसको हटा रहे हैं, जैसा आंसर दिया है यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे बाहर ले जाएंगे माइनस को, तो माइनस वाला प्लस ए हो जाएगा और प्लस वाला माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में है। कभी कभी आपको आंसर को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 5a² b और 10ab² ये अपने बना लेना है, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने से बनेगा, क्वेश्चन अपने से बनेगा, ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट कीजिए कितना बना पा रहे हैं, 3 क्वेश्चन अभी तक हम छोड़े हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए आप बनाइएगा खुद, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट स्लाइड में जितना क्वेश्चन इतना कर लिया, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 8a³ - 2a है, ये भी इजी क्वेश्चन है, 8 को हम लोग 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, ए क्यू मतलब कितना बार, 3 बार हम लोग a लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 और a है तो a, तो 2a यहाँ भी है और 2a यहाँ भी है, तो 2a² कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा अंदर में लिखेंगे, 2 × 2 बचा यानी 4 और a × a मतलब a² माइनस, यहाँ से कुछ भी नहीं बच रहा है तो 1 बचेगा, ऐसा आपको आंसर ढूंढना है कहाँ पर है, 2a होना चाहिए बाहर में और होना चाहिए 4a² - 1, तो ऐसा कहीं आंसर नहीं मिला, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखिए आराम से, इसको देखेंगे कि 2a और ये 2 मतलब 4 है ना, 4 को ऐसे लिख 2a² - 1 माइनस 1 है तो 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे एक फॉर्मूला बन जाएगा, बोलेंगे ए प्लस a² - b² वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जिसका वैल्यू होता है a + b × a - b, यानी दोनों नंबर के ऊपर जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, 2a × ये दोनों नंबर 2a को एक बार जोड़ देते हैं, ठीक है, और 2a + 1 - 1 कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको करना होगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको तोड़ देना है बस, 15 को तोड़ेंगे, x² को तोड़ेंगे, y को तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 को तोड़ सकते हैं क्या चीज़ में, 3 × 5 में, x² को x × x में और y को y में, यानी कि 3 × 5 × x × x × y ये होना चाहिए, 3 × 5 × 5 × 3 × x × x × y ये हो गया हम लोग ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, a² - 2ab + b² डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, a² - 2ab + b² इक्वल टू क्या होता है, a - b² ये होता है, ठीक है, a - b² मतलब a - b × a - b दो बार लिख सकते हैं, a - b दो बार हम लोग लिख सकते हैं, a - b और a - b ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखिए, भी एक फॉर्मूला है, a + b × a - b, ये होता है a² - b² के बराबर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - 3, अभी जो फॉर्मूला बताए थे a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b, अगर हम लोग इसको देखेंगे, इसको इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए कि x² है, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 ही आएगा, तो ये फॉर्मूला में हम लोग को बदल जाएगा, ए की जगह हम एक्स और बी की जगह हम 3 हो जाएगा, तो क्या करें, x + 3 एक बार दोनों को जोड़ देंगे, x - 3 एक बार दोनों को घटा देंगे, तो ऐसा आंसर आपको खोजना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, बस आपको ध्यान देना 4 और x² है, 4x² को ऐसे लिख सकते हैं, 2 और x² होल स्क्वायर, और 25 और y², इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, 25 और y² है, इसको 5 और y² लिख सकते हैं, ठीक है, अंदर ले जाएंगे तो फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 ही आ जाए, तो इसके जगह हम लोग एक फॉर्मूला बन जाएगा, 4 की जगह हम लिखेंगे 2x² का होल स्क्वायर माइनस 5y² का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² - b² क्या करते हैं, ए की जगह हम जो है और बी की जगह हम जो है दोनों को एक बार जोड़ देंगे, इंटू दोनों को एक जगह हम एक बार घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, ठीक है, ऐसा आंसर खोजिए कहाँ पर है, 2x + 5y और 2x - 5y, 2x + 5y, 2x - 5y, ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, ये आंसर हम लोग का हो जाएगा सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
में। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऊपर जैसे बताएं, ये सब क्वेश्चन 24 नंबर बनेगा, 25 नंबर बनेगा। अब बोलेंगे 25 नंबर कैसे बनेगा, हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो वैसे ही फॉर्मूला टूट जाएगा। अब देखिए कैसे इसको तोड़ते हैं, यहाँ पर हम लोग पास में कितना दिया हुआ है पी स्क्वायर, ऑलरेडी ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको तो नहीं तोड़ेंगे, तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रहने देंगे, माइनस 10 है तो 2ab होता है, 2 अलग से लिख देते हैं ठीक है। उसके बाद ए एक जगह p बनने वाला है तो p रहने देंगे, तो 2p हो गया, 10 आना चाहिए, और b की जगह 5 ले देंगे ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 दोनों 10 और p 10p हो जाएगा, प्लस 25 को हम लोग 5 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर फिर 2, एक जगह p और b की जगह 5, और b के स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या a माइनस b का होल स्क्वायर, एक जगह कितना है p, p माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। एक जगह में p और b की जगह में क्या है माइनस 5 है ठीक है, b की जगह 5 है तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, इसलिए p माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो खोजिए p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, आपको खुद ही बनाना है ये क्वेश्चन खुद बन जाएगा ठीक है, आप खुद ट्राई कीजिए, सब आपसे खुद ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 है, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी को सरल करना है, सरल मतलब सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी होता है इस तरह क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, जो जुटेगा उसको जोड़ देंगे, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे, आंसर हम लोग हम पास होगा। ए के जगह भी पूरा है, बी के जगह में पूरा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस 2xy होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, एक जगह में पूरा है तो इसका पूरा स्क्वायर कर देते हैं ठीक है। तो ab का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2, एक जगह हम ab और b की जगह हमें bc, प्लस प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह हम बी और सी है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर ए नहीं है, ए बी स्क्वायर सी है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, इसको लिखते हैं गुना करके 2 ए एक बार बी दो बार और सी है ठीक है, और फिर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी है, तो ये दोनों देखो बराबर है, कट जाएगा, बचेगा क्या ये वाला टर्म बचेगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपको एक ऐसा ही एक ऑप्शन मिल जाएगा ठीक है, क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 91 वाई क्यू प्लस 13, इसको डिवाइड करना है 13 वाई से, तो डिवाइड करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो 13 से 91 होता है, तो 7 इंटू 13 लिख सकते हैं, इससे 91 बन जाएगा, वाई क्यू है तो 3 बार वाई, और यहाँ 13 है तो 13 गुना वाई लिख सकते हैं, 13 से 13 कट जाएगा और वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 7 वाई स्क्वायर ठीक है। ये होगा हम लोग का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, इसको भी हम लोग बना लेते हैं माइनस में है बस। देखिए 144 अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 144 12 का क्या होता है स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोग 12 12 लिखते हैं क्योंकि नीचे में भी 12 है, और एक्स का पावर 4 है, इसको ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा इसलिए है ना, और नीचे में है माइनस 12 और एक्स स्क्वायर, तो माइनस देखिए 12 कट गया माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर कट गया बचेगा क्या, माइनस है 12 बचा हुआ है एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, तो ये होगा हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बट यहाँ पर उतना भी अलग नहीं है, इसमें बस कॉमन लेना है ठीक है। अब ध्यान से अगर देखेंगे इसको तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हम लोग दिख रहा है 5z माइनस 25 प्लस, प्लस नहीं है डिवाइड 5 है ऐसा ठीक है, तो ब्रैकेट है, सबसे पहले ऊपर वाला हम लोग क्या करेंगे, जो ये 15z दिया हुआ है माइनस 25 इसको लिख लेंगे, डिवाइड बाई 5 लिख लेंगे, यहाँ से अगर कुछ कॉमन आएगा तो हम देख रहे हैं 5 कॉमन आ जाएगा, 5 का टेबल में 15 तीन बार में आता है, तो यहाँ बचेगा 3z माइनस 5 का टेबल में 25 पाँच बार में आता है, 5 बच जाएगा, नीचे बच गया 5, 5 से 5 कट जाएगा तो 3z माइनस 5 हो जाएगा, तो 3z माइनस 5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3z माइनस 5 है ऑप्शन नंबर डी में ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वैसे ही है, इसको आप खुद बनाएंगे 34 बनेगा 35 बनेगा ठीक है। 36 नंबर में आते हैं, 36 नंबर में ये क्वेश्चन दिया है, इसको डिवाइड करना है, ये भी आपसे खुद बन जाएगा, 37 नंबर बनेगा, 38 बनेगा, 39 बनेगा ठीक है, और मतलब सब बन जाएगा, तो 39 40 हम बनाते हैं इस वीडियो को करेंगे अंत ठीक है। एक्स का पावर 3 को डिवाइड करना है 2x से, तो 2x से करना है बहुत ईजी, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 तीन बार लिख सकते हैं, और एक्स क्यूब को तीन बार गुना कर सकते हैं ठीक है, और नीचे में क्या बचेगा 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा एक, और x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 2 4 और एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो ये आंसर आपको ढूंढना है ऑप्शन नंबर डी में, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पूरे चैप्टर का ठीक है, तो 40 है ये भी एक क्या दो टर्म वाला ये है पॉलीनोम है ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे, और ये एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दोनों जो टर्म है ना इसमें कुछ कॉमन आएगा ऊपर वाला टर्म में, 14 और 21 है तो 7 का टेबल में दोनों आता है, 7 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, दो बार में 7 आएगा 2x और तीन बार में 21 आएगा तो 3y बचेगा, नीचे में भी 2x और 3y है तो 2x 3y कट जाएगा बचेगा 7, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसी के साथ में पूरा हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया ठीक है, ये मैथ का 7 चैप्टर था, आपको बताना कमेंट करके कैसे समझाया कैसा लगा वीडियो, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके कमेंट करने के लिए ही होता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगा है तो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ठीक है, और अपने जो दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी पढ़ाई चले।
चले, ठीक है। तो ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, अगर वो भी जानेंगे आप भी जानेंगे तो दोनों मिलकर बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और कहीं डाउट अगर आपको है तो अपने दोस्त से पूछ सकते हैं, अगर दोस्त के पास कहीं डाउट होता है तो आपसे पूछ लेगा। ऐसे में जानकारी फैलाने से ही बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको जानकारी जितना से ज़्यादा फैला सकते हैं तो वो कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, तो सबके लिए अच्छा होगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।